उसका हमने मोशन पोस्टर लॉन्च किया था वेयर माई फेस इज ऑल स्क्रैच्ड एंड ब्रूज्ड एंड ऑल. तो सबका सिर्फ एक वर्ड में रिप्लाई आया था, वाओ 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 एंड लुकिंग फॉरवर्ड. तो यस, वी हैव टचवुड गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स. पीपल हैव लव्ड द पोस्टर. एंड मुझे सबसे सिर्फ एक ही वर्ड का रिस्पॉन्स मिलता जा रहा है, वाओ लुकिंग फॉरवर्ड, वाओ लुकिंग फॉरवर्ड. तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. इवन फैंस हैव बीन पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, रीपोस्टिंग इट, एंड एवरीबडी इज लाइक वी एक्साइटेड, वी आर सुपर एक्साइटेड, द पोस्टर लुक्स अमेजिंग. तो या इट्स सी, जख्मी एक ऐसी कहानी है एक जो किसी भी लड़की की हो सकती है. यू नो, जख्मी एक रेप विक्टिम की कहानी है. तो वो कोई भी हो सकता है, वो किसी के साथ भी ऐसी ट्रेजेडी हो सकती है, चाहे वो एक सेल्स गर्ल हो या यू नो कहीं भी काम करने वाली लड़की हो. वेर यू नो सम पीपल वन फाइंड इट डिसाइड दैट ओके जस्ट फॉर देयर फन दे वांट टू रूइन समवन्स लाइफ, और दे बीट हर अप, दे रेप हर एंड देन दे लीव हर टू डाई. बट वो लड़की की विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, वो जो है किस तरह से जो है उठती हैं, बचती हैं, शी सर्वाइव्स द ट्रेजेडी दैट हैपेंस टू हर. एंड देन शी डिसाइड्स के नहीं, यू कैन नॉट जस्ट डू समथिंग टू मी एंड गेट अवे विद इट. तो वो रिवेंज जो है अपना लेती हैं. एंड द ब्यूटी ऑफ जख्मी इज वो कोई कोर्टरूम ड्रामा, कोई बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं है कि आपने ऐसा क्यों किया, एंड वो ये सब कुछ नहीं करती. शी स्ट्रेट फॉरवर्ड गोज, बीट्स द शिट आउट ऑफ दोज पीपल जिनको मारने की ज़रूरत है, वो करती है, वो अपना रिवेंज लेती है. वो लड़की वो चुपचाप एक कोने में बैठ के, शी डज नॉट, जैसे मैंने हर जगह बोला है कि आई डू नॉट लाइक टू कॉल माई कैरेक्टर, जो सायरा का किरदार मैं निभा रही हूँ, मैं सायरा को विक्टिम बोलना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ. सायरा सर्वाइवर है, शी इज़ अ रेप सर्वाइवर, एंड हाउ ब्यूटिफुली शी कम्स आउट ऑफ दिस होल मेस एंड शी इज़ अ विनर एट द एंड ऑफ द डे इज व्हाट जख्मी इज ऑल अबाउट. सी अनफॉर्चुनेटली यू नो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि किसी कोई मोलेस्ट हो गया है, कोई लड़की मोलेस्ट हो गया है, किसी का रेप हो गया है, तो मतलब उसकी बेइज्जती होती है इसमें. नहीं, मतलब ये ऐसी एक चीज़ है जो अनअवॉइडेबल है, मतलब जो ये तो किसी और का ऐसा दिमाग है ना, जो आपके साथ कोई ट्रेजेडी हुई है, आपने इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो चुप बैठ जाना तो इसका सॉल्यूशन है ही नहीं. चुप तो मतलब आपके साथ अगर कोई चीज़ गलत हो रही हो ना, तो चुप तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए. आज फॉर्चुनेटली आई वुड से हमारे लॉ जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लॉ इतना स्ट्रॉन्ग है इन चीज़ों की तरफ, कि इतना सपोर्ट है लड़कियों को दैट यू शुड नेवर सिट क्वाइट. और रेप एक ऐसी चीज़ है जो आप इसके विक्टिम मत बनो. यू नो, कोई आपके साथ ट्रेजेडी हुई है, यू आर अ सर्वाइवर, ऑलवेज कंसिडर योर सेल्फ अ सर्वाइवर ऑफ यू नो सच थिंग्स. जी हाँ, मुझे याद है जब मैं हॉन्टेड कर रही थी, विक्रम सर की एक ही लाइन है जो मेरे साथ हमेशा रही है, जो हमेशा वो मुझे सिखाते हैं. वो कहते हैं लेस इज़ मोर. आपको कभी भी कोई भी चीज़ यू नो देर इज़ ऑलवेज, मतलब आप कोई चीज़ चीख के भी कर सकते हैं और आराम से भी कर सकते हैं. तो मैंने उनसे हमेशा काम रहना सीखा है. आई हैव सीन, वो एक ऐसे, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ एन एक्टर्स डायरेक्टर, मतलब वो बिना स्ट्रेस के काम करवा लेते हैं. ही इज़ ऑलवेज सो काम एंड कंपोज. मैंने उनसे वो सारी चीज़ें सीखी और ये लाइन मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगी कि लेस इज़ मोर. डिफरेंट वेब में जो है, द ब्यूटी ऑफ वेब इज़ देर इज़ नो सेंसरशिप इन वेब. यू नो, यू आर फ्री क्रिएटिवली, आप अपनी कहानी जो है क्रिएटिवली जितना बोल्ड आप दिखाना चाहते हैं, जो कुछ भी आप दिखाना चाहते हैं आप वेब में दिखा सकते हैं. बिकॉज वहाँ पे आपको ये सोच के शूट नहीं करना पड़ता कि अच्छा ये कट करना पड़ेगा, अच्छा ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा कम हो गया. यू कैन शूट इट द वे यू वॉन्ट, यू कैन शो इट द वे यू वॉन्ट, यू कैन पोर्ट्रे इट द वे यू वॉन्ट, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ वेब. तो वो एक अलग चीज़ है. फिल्म में ऑफकोर्स हमें सेंसरशिप और यू ए सर्टिफिकेट्स और ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रख के शूट करना पड़ता है.
टेलीविजन इज समथिंग जो वी हैव टू शूट कंटिन्यूसली, तो बहुत कई बार हम कुछ चीज़ें यू नो एडजस्ट कर लेते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं होता है. वेब में वो सारी चीज़ें हैं ही नहीं, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ वेब. ओ आई हैव एक्चुअली ऑनेस्टली मैं तो बॉम्बे सिंगर बनने ही आई थी, आई वॉज अ कंटेस्टेंट फॉर सारे गा पा. तो मैंने अपनी फिल्म हॉन्टेड में भी गाया है, लंका में आई सैंग शीतलहर जिसके लिए मुझे मिर्ची म्यूजिक अवार्ड अपकमिंग सिंगर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था. एंड मैं अपनी हर एक प्रोजेक्ट में कोशिश करती हूँ कि मैं एक गाना गाऊँ. तो आई एम कमिंग अप विद अ सिंगल ऑफ माइन, तो दोनों चीज़ें साथ में साइमल्टेनियसली हैं. देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, यू नो. आप अगर कोई और चीज़ एक्सप्लोर करना चाहता है अपने रोक नहीं सकते, यू नो. इट्स लाइक टेलिंग समवन दैट अच्छा आपने ना यू ईटन समथिंग सो यू कैन नॉट ईट, यू कांट डू दैट. दैट इज़ आई वुड से यू नो इट्स रॉन्ग. अब किसी ने अगर आज डिसाइड किया है कि हमें उठ के ये करना है तो वो कर सकते, बिकॉज दैट इज़ व्हाट द पर्सनस चॉइस इज़. हाँ ऑफकोर्स जो है आप कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफकोर्स जो प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं वो तो बहुत अच्छा गाते ही हैं, तो वो एक चीज़ है. मैं उस पर बहुत ज़्यादा यू नो आई डू नॉट पुट माई माइंड इन टू इट, बिकॉज आप किसी को कुछ करने से रोक नहीं सकते. मैं एक्चुअली आई एम कमिंग अप विद अ सिंगल ऑफ माइन, आई एम वर्किंग ऑन इट, बट उसको थोड़ा सा टाइम है. विच विल वी आर प्लानिंग टू रिलीज इट इन ऑगस्ट और सितंबर, विच इज़ अ सूफी जॉनर का गाना है एंड आई एम प्रीटी श्योर सब इन्जॉय करेंगे. सी वुमन एम्पावरमेंट, मैं कहूँगी मेरे लिए, मैं द वुमन आई लुक अप टू इज प्रियंका चोपड़ा, बिकॉज उन्होंने एक ऐसी चीज़ कर दी है जो मतलब unimaginable and unbelievable. She has broken the glass ceiling, I would say. And of course जो है आप किसी भी औरत को, ज़रूरी नहीं है कि वो काम से ही एम्पावर हो, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफिस जाए तो ही यू नो या पैसे कमाए तो ही. आप एक औरत को जब जो है जो उनकी राइट प्लेस है इन आर सोसाइटी, when you give her the respect that she deserves, when you are educating her, when you are giving her her due, you know, you are empowering her. And I would say जब आपकी सोसाइटी में औरतों की एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन होती है, आप एज अ नेशन ग्रो करते हो, एज अ कंट्री ग्रो करते हो. तो ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े ऑफिसर्स में ही यू नो लड़कियाँ एम्पावर होती हैं, या बड़े या सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में. लाइक एक गाँव में भी जब आप बच्चे को जो है डिसाइड करते हो कि अच्छा उसकी शायद 12 या 13 साल की उम्र में शादी नहीं करवानी, उसे पढ़वाना है, यू आर एम्पावरिंग हर. सो यू नो हर एक लड़की के लिए वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब बहुत अलग होता है. Yes, 10th July, 8 PM only on VB on the web and official Jio Cinema. And you can binge watch the series because सारे episodes आपको एक साथ आप download करके देख सकते हैं. And I'm really excited and you guys will definitely enjoy it because it's not just a normal revenge drama. There's a lot of romance, there's a lot of action and the music is very good. So yeah, do watch it.